वो घिंचे था उनका कोनो काम ये देखिए साथियों विधानसभा जंगीपुर के लामा सुभाकरपुर हॉस्पिटल पर एक महिला गर्भवती महिला की मौत हो गई। यहाँ पर गांव के सभी लोग पहुँचे हैं और भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के सभी गढ़ पहुँचे और यहाँ पर रोड पर लाश को सुता कर जाम कर दिया गया है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा कोई सुई लगाई गई जिससे महिला गाज फेंकती हुई यहाँ से तुरंत रिफर गाजीपुर किया गया, लेकिन गाजीपुर से रास्ते में जाते जाते मौत हो गई। अभी हम लोग सुभाकरपुर हॉस्पिटल पर बैठे हैं। वहाँ से वहाँ ले जाना गलत ठीक है, वो तो वहाँ ले जाइए, वहाँ पर मर्चेंट रखवा के ठीक वहीं से करवा लेंगे। हम शुरू से कह रहे हैं कुछ यही बात हम कर रहे हैं भाई, हम तो कहाँ के खड़े थे। आप बोल रहे हैं तो सब सुन लीजिए। बोलिए सर, ये आपने जो दिया हुआ है हमें ज्ञापन, इसमें जो ये नगद पैसे की बात की गई है उसके संबंध में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है, हम अपने रिकमेंडेशन आपके पक्ष में भेजेंगे सरकार में। जो भी अल्टीमेट सहायता है वो सरकार से मिलनी है, यहाँ से सहायता का प्रोविजन नहीं है ठीक है। इस घटना में अन्य अन्य घटनाओं में अन्य अन्य तरीके से प्रोविजन है, लेकिन इस घटना में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम रिकमेंडेशन भेजेंगे ठीक है। भूमि के संबंध में आप हैं, चूँकि वो आपकी बिटिया हैं लेकिन उनका घर है जमनिया है ना, तो जो जमनिया है वहाँ पे हम यहाँ से आपका पत्र वहाँ के एसडीएम साहब को जांच के लिए भेज देंगे, वहाँ पे उस गांव में वो सब मालूम करा देंगे, वो इनको लिए वहाँ पे पट्टे के लिए करेंगे आपके ठीक है। ये दो चीजें हैं जो हमारे स्तर पे हैं, ये प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत हम आपको दिलवा सकते हैं। जमीन थी नहीं, महिला अपने मायके में रह रहे थे, पिताजी बहुत गरीब है, जमीन थी, जमीन है इसके नाम से वहाँ पे। संदीप भाई कहाँ से? मंटू भाई तरीके से उस लड़कियाँ के नाम से जमीन है क्या वहाँ पे? एक विश्व जमीन जमीन नहीं है उसके नाम से, जमीन नहीं है ठीक है, उसको आप कर सकते हैं मदद करने। मंटू भाई एक काम करिए, बोलिए एक डेलीगेशन तैयार कर लीजिए और जो भी बात मानी जाएगी आप सबके सामने रहेगा भाई, क्योंकि मैं अपने मन का नहीं कर रहा हूँ। सुन लो ना, इसको आप तैयार हो जाइए कि साहब जिस बात को कहेंगे नहीं भी करते हैं देंगे, तहसील के सामने बैठेंगे हम चलकर ठीक ना। सर यही बात बोलने में दिक्कत क्या हो रही है? हम कर देंगे जो वो प्रोसेस है वो तो कर रहे हैं, प्रोसेस यही है, उस प्रोसेस के उनकी विवेकाधीन है, उसमें कोई इस तरीके से कुछ है, कोई इस तरीके से एडवर्स घटनाएं हैं उसमें सहयोग जमीन वाला सर हम जांच कर लेते हैं, अगर गांव में जमीन उपलब्ध होगी तो हम सब लेखपाल को अभी बुला लीजिए मौके पर ना, वो खुद बता देंगे जमीन है कि नहीं। तमाम गांव में हमारे बचे हुए हैं, बुला लीजिए लेखपाल साहब, मौके पर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं, हम लेखपाल हमारे साथ बुला लीजिए। अनीश आरिपुर पे है, कोई तलाक नहीं है, कोई अलगा मिलकर नहीं हुई है, लिखा पढ़ी में तो उनको वहीं से ही सारी सुविधाएं मिलेगी जहाँ इनकी ससुराल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मेंशन करा दिया जाए, इसी जनपद में है, कहीं से भी होगा हम लोग करा लेते हैं। बोल रहे हैं कि सरकारी कोई पर काम नहीं है, मतलब ये लिखवा करके हटवाए हैं। सर आप अपनी बात अपने चेहरू की सुनिए, मेरी मेरी बात नहीं नहीं, आप सर आपने स्वयं कहा छोड़ दें, बोले हैं कि अपना मांग लीजिए, आपने कहा मैं जरूर इसको सॉल्व कराऊंगा, हम लोग उम्मीद रखें अब तक आप सुनिए, हमारी आप सरकार आप हमारे कह रहा हूँ, आप जिले के मालिक साहब हमारे माँ बाप आप ही सर बता रहा हूँ, आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकते सर, आप पास बहुत बड़ा पावर है सर, बहुत सारा पावर है, जो पीछे से आपने जो कहा है लड़का लो आ रहा है, उसी का कहा बाबू वापस जाओ रास्ता बंद नहीं, हाँ चला।